पिछले लेक्चर में मैंने 76 क्वेश्चन नंबर तक मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 56 तक मैंने फंक्शन चैप्टर का इदास गुप्ता का सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सो आप जाके देख लीजिए जिसे नहीं देखा, और कंटिन्यू में रख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 भाई, fx दे रखा है आपको, fx दे रखा है log बेस 100x है और 2 log x बेस 10 प्लस 2 अपॉन माइनस x, और एक gx फंक्शन दे रखा है, gx ये दे रखा है फ्रैक्शनल आर्ट ऑफ x, और fog एग्जिस्ट कर रहा है। FOG का मतलब F के अंदर GX, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई साहब। तो आपको पूछा है रेंज ऑफ G, रेंज ऑफ G पूछा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, अगर GX का जो भी आउटपुट है, GX का जो भी आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, वो अंदर वो सबसेट होना चाहिए या तो बराबर भी हो सकता है डोमेन ऑफ F के। अगर रेंज ही जैसे मान लो 3 है, रेंज 3 आ गया और f के अंदर डोमेन में 3 है ही नहीं, तो f आंसर क्या देगा, कद्दू, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेंज है वो पूरा का पूरा डोमेन f के अंदर आना चाहिए या तो बराबर भी हो, तभी तो f कंटिन्यू करेगा आगे, आंसर देगा। अच्छा ठीक है, तो अगर अपने को रेंज निकालना है, तो अगर मैं डोमेन निकाल लूं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लूं, तो जो भी आंसर होगा वही मेरा आंसर होगा फाइनल। समझाता हूं मैं आपको, जैसे पहले रेंज ऑफ जी निकालते हैं, तो रेंज ऑफ जी कितना आ रहा है ये तो पता है कि 0 से 1 आएगा रेंज ऑफ जी, भाई फ्रैक्शनल पार्ट वो तो 0 से 1 ही आएगा। अच्छा तो एफ भाई साहब 0 से 1, एफ के अंदर 0 से 1 जा रहा है, तो देखते हैं क्या ये एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 से 1 ले पाएंगे। तो इसके आप कैसे निकालें, कैसे चेक करें कि 0 से 1 ले पाएंगे, नहीं डोमेन ऑफ एफ निकालते, तभी देखते हैं कितना ले पाते हैं fx। ओके, तो लॉ की कंडीशन देखते हैं, तो 100x जो है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, ऑब्वियसली x पॉजिटिव ही होगा। 100x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू 1/100 नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब अंदर आते हैं, अंदर जो भी शक्ल लिखी हुई है 2 log x प्लस 2 अपॉन माइनस एक्स बेस 10 है, ये वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा x जो है वो खुद में क्या है, नेगेटिव है, तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा तब ना पॉजिटिव होगा, और तो इसका मतलब ये हुआ, और ध्यान से देखना मैंने पहले भी बोल दिया है, क्योंकि तो हम जब डोमेन निकालते हैं तो हर एक सेट का डोमेन निकालते हैं, हर एक सेट का पार्ट निकालते हैं कि अच्छा इस वाले पार्ट का ये आया, इस वाले पार्ट का ये कॉमन आएगा और कॉमन आंसर होता है। तो अगर x पॉजिटिव यहाँ पर इसने बोल दिया है तो ऑब्वियसली हर जगह x पॉजिटिव ही लूंगा, नेगेटिव अगर सोचूंगा मैं इसके बारे में x के बारे में तो बेस मना कर देगा। अच्छा तो ये पॉजिटिव इंटेक ले रहे हो तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव ये नीचे वाला आएगा तो इसका मतलब ऊपर वाला को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ये वैल्यू जो है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा। अच्छा 2 से कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते तो साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसा आया। अच्छा तो log x बेस 10 जो है वो लेस देन माइनस 1 है। अच्छा बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो आप आराम से log हटाकर बेस को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा इसलिए कि अगर log 2 बेस 2 ये छोटा है अगर 3 से, ठीक है ना, ध्यान रहे ये अगर छोटा है 3 से, तो इसका मतलब अगर आप हटाते हो लॉग को तो इसका मतलब 2 क्या होगा, 2 की पावर 3 से, ये बात सही लिखी हुई है, गलत तो है नहीं वैसे, पर हां अगर लॉग 2 बेस हाफ ये छोटा है अगर 3 से, ठीक है 3 छोटा है, तो आप इस हाफ को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हाफ की पावर 3 कितना हो जाएगा 1/8, वो तो छोटा हो जाएगा, तो जब लॉग हटाओगे और बेस वजह छोटा हो तो ये हटाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रहे
इनइक्वालिटी चेंज कर देना, ठीक है ना, इसका वैल्यू माइनस वन आएगा, मतलब ऐसे ही ट्रू है। तो बताने का मुद्दा यह था कि अगर बेस वन से बड़ा हो आप लॉग हटाएं और ये साइन चेंज नहीं होगी, तो एक्स लेस देन क्या आ रहा है, 10 की पावर माइनस वन, यानी एक्स लेस देन 1 बाई 10, एक्स लेस देन 1 बाई 10, एक्स पॉजिटिव और एक्स 1 बाई 100 नहीं होना चाहिए। तो कॉमन पार्ट क्या हुआ, 0 से लेकर डोमेन ऑफ एफ 0 से लेकर 1 बाई 10 आएगा और उसमें एक 1 बाई 100 नहीं आएगा, तो फंक्शन ये इनपुट ले रहा है और आप उसमें डाल रहे हो 0 से 1। तो अगर एग्जिस्ट करवाना है तो जीएक्स का रेंज क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, यही होना चाहिए। तो ये जो है और इसका इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, यही है। तो रेंज ऑफ जी अगर ये देगा तो ही फंक्शन ये ले पाएगा, तभी एफ ऑफ जी का आंसर मुझे मिलेगा, तभी बोलूंगा मैं कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा प्रभु, रेंज ऑफ जी भी यही होना चाहिए, ठीक है, ये आपका आंसर है, कॉमन पार्ट, कॉमन इलाका, ठीक है, दिस इज माई फाइनल आंसर। रेंज ऑफ जी कितना हो जाएगा, 0 से 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 100, ये नहीं लेना। अगला, ये अच्छा सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है कि fx दे रखा है आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5/3 बोले तो 60 डिग्री प्लस कॉस एक्स प्लस 5/3, ये मल्टीप्लीकेशन में दोनों, ठीक है, एंड जी ऑफ 5/4 इक्वल टू 1 दे रखा है। तो आपको बताना है कि जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फेज वन में स्क्वायर वाले टर्म आपने वही पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, या तो पढ़ा होगा आपने कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी भी वही होगा, बिकॉज इफ यू रिप्लेस साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी विद 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो वो भी क्या आएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। और एक और पढ़ा होगा आपने कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, वो कितना होगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, या तो cos square a को लिख लो 1 minus sin square a और sin square b को लिख लो 1 minus cos square b, तो cos square b minus sin square a कितना हो जाएगा, वही cos a plus b cos a minus b। तो फंडा मुद्दे वाला ये है कि अगर sin square ले लो या cos square ले लो तो बीच में मिडिल साइन में माइनस आना चाहिए, तो यहां पर तो हर जगह sin square है, तो cos square a minus sin square b भी कुछ होता है, तो cos square a और sin square b ये टर्म ला सकता हूं। अगर sin square b मेरे पास है तो अगर मैं cos square a और एक माइनस ले आओ तो काम बन जाएगा, तो किसी एक को आप क्या कर दो 1 माइनस cos square कर दो, तो माइनस भी आ गया cos square भी आ गया और sin square पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, ये फंडा याद रखना। अगर पूरा cos square है या पूरा sin square है तो किसी एक को घुमा देना cos square में, माइनस भी आ जाएगा और पहले वाला तो sin square cos square जो भी है वो तो है ही, ठीक है। तो sin square तो square ऐसे रखा, sin square x इसको लिख लिया 1 माइनस cos square x प्लस 60 डिग्री। अच्छा, लीडिंग में कोई स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है फिर माइनस होता है, तो इसको और इसको घेरा, इसको नहीं लिखा रहा, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, ये चल रहा है बगल में, चलने दो, तो ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ 1 माइनस माइनस कॉमन ले लिया x प्लस 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर x, और ये जो लफड़ा लिखा हुआ है ये तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, अगर से तो देख लो माइनस है और माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर एक्स वही है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, बोले तो ऐड करने का है, कितना हो गया 2x प्लस 60 डिग्री और कॉस ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी यानी 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और ये जो रह गया वो क्या था, वो ये था कॉस x into cos x plus 60 degree। अच्छा, यहाँ क्या किया मैंने, इसको half और 2 से multiply कर दिया,
ये जो लास्ट में था ना, इसको टू और टू से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना लिख लो। ये ऊपर अप कर दे रहा हूं मैं, बिकॉज आई डोंट हैव अ स्पेस इन माय बोर्ड। ओके, सो लेट अस मूव अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो 1 माइनस लिखा हुआ है, 2x प्लस 60। अच्छा cos 60 कितना हो गया प्रभु? हाँ ठीक है ना, तो ये पूरी सकल ये आ रही है cos 2x प्लस 60 अपॉन 2। अच्छा 2cc लगाया, तो 2cc कितना होता है? c प्लस c। तो c प्लस c में क्या होगा? एंगल का सम होता है ना, हाफ नहीं होगा। कब हाफ होगा? व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम प्लस टू मल्टीप्लिकेशन, दैट इज c प्लस c 2cc, वहां पर हाफ होगा एंगल में। 2cc कितना हो गया? x प्लस 60, दैट इज 12 प्लस 60। और दूसरे वाले में x माइनस 60, तो x किस कट गए? माइनस 60 कितना हो गया? cos माइनस 60, cos 60, तो cos 60 लिखा हुआ है और अपॉन 2। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये इसको मैंने ना इसका डिवोर्स कर दिया, ठीक है, डिवोर्स मतलब अलग अलग कर दिया, ठीक है। cos 2x plus 2 को हाफ ऑफ कर दिया ना, मैंने 2 बांट दिया, तो cos 2x plus 60, और ये लिखा हुआ है cos 60 by 2, तो खचा खचा कट गया। cos 60 कितना है? हाफ, हाफ इंटू 2, 1 by 4, 1 plus कितना आ रहा है? 5/4। अच्छा ये तो fx की वैल्यू है पूरी, fx कांस्टेंट है, fx इज कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड नहीं होता है, पर वो पीरियडिक होता है, वो तो पढ़ा है ना हमने, पीरियडिक होता है। अच्छा वो छोड़ो, तो fx तो मतलब ये भाई साहब ने छुटके से मुझे fx ही लिख के दिया था, ये जो दिया है वो तो fx ही लिखा है ना, कोई भी x के लिए ये भी आएगा 1, तो मेरा आंसर आ गया ना, ये वैल्यू 1 ही आएगी, सिंपल। अगला नाइस क्वेश्चन, उसने जो 5/4 दिया था वो आपको fx की वैल्यू ही दी थी, तो आपको सॉल्व करने में मालूम चल गया कि वो fx ही है मेरा, तो g of fx की वैल्यू ही 1 है मेरा, ठीक है। ओके भाई चूज द करेक्ट ऑप्शन है, 79 नंबर एमसीक्यू टाइप है, अब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y equal to fx equal to x plus 2 upon x minus 1, ये दिया हुआ है और आपको पूछा है f of y, तो क्या किया आपने? जहां जहां पर x है, क्योंकि इनपुट में आप सिंगल वेरिएबल में, जैसे यहां पर आप p लिखोगे, s लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, तो जो इनपुट वही सकल बन जाएगी। तो अगर f of y है तो मैंने x में क्या रिप्लेस कर दिया? y, तो ये क्या लिख रहा है? y plus 2 upon y minus 1, और y में x replace किया था, x में y replace किया, तो वही बात हो गई, ये आ रहा है, ठीक है, x में y, y में x, तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, भाई सही है ना, x में y रिप्लेस किया, नहीं समझा? x में y रिप्लेस किया, सो हर जगह y y आ गया, और y में x रिप्लेस कर दिया, एक ही बात लिखा हुआ है, ये और ये एक ही बात लिखी हुई है, ठीक है। 80 नंबर, भाई fx दे रखा है, चलो जगह कम है तो ये कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। fx दे रखा है आपको cos pi square, ये आपका फ्लोर फंक्शन है, और cos माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, कौन सा करेक्ट है? आपको वैल्यू दे रखी है f ऑफ पाई बाय 2, सभी वैल्यू दे रखी है, चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अब fx जो है तो 3.14 होता है पाई की वैल्यू, आप स्क्वायर करेंगे तो 9 से ज्यादा आ जाएगी, 9 से कुछ कुछ ज्यादा, उसका फ्लोर कितना हो गया? 9x, तो ये लिखा हुआ है 9x, ठीक है। अच्छा माइनस पाई स्क्वायर का फ्लोर मतलब 3.14 का तो स्क्वायर किया ही होगा आपने, तो 9 से कुछ ज्यादा, माइनस में कुछ ज्यादा, जैसे माइनस 9 point something something ऐसे मान लेते हैं, तो इसका आप फ्लोर निकालेंगे तो कहां गिरोगे? 9 पे, माइनस 10 पे गिरोगे, माइनस 10 पे गिरोगे, पाताल में गिरोगे ना, माइनस 10 पे गिरोगे, तो ये माइनस 10 लिखा हुआ है, तो कॉस के अंदर लिखा हुआ है एंगल के रूप में माइनस 10x, तो कॉस तो नेगेटिव खा जाता है, खा जाता है ना, कॉस 9x
प्लस कॉस टेन एक्स लिखा हुआ है। अब ऑप्शन मैच करा लो, तो इसमें ऑप्शन एफ पाई बाई टू इक्वल टू माइनस वन दे रखा है, पहला ऑप्शन एफ पाई बाई टू इक्वल टू माइनस वन। अच्छा नाइन एक्स बॉर्डर मार्क कर लेते हैं, ये पाई के मल्टीपल पाई बाई टू के मल्टीपल, तो अगर पाई बाई टू में रिप्लेस करूंगा एक्स को तो ये नाइन पाई बाई टू कहाँ आएगा, पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू नाइन पाई बाई टू कितना होगा जीरो, और ये लिखा हुआ है फाइव पाई कहां पर आ गया, यहां पर तो कॉस कितना होता है इधर माइनस वन, एफ पाई बाई टू पे बोला है इसने एक्स पाई बाई टू लिया ना, ओके नाइन एक्स है और टेन एक्स, ओके तो पाई बाई टू तो कितना लिखा हुआ है फाइव पाई कॉस फाइव पाई यहां पर माइनस वन, ओके माइनस वन सही है, और कॉस नाइन पाई बाई टू जीरो माइनस वन, नाइन एक्स और टेन एक्स पाई बाई टू ये हो गया आपका फाइव पाई कॉस फाइव पाई टेन पाई सही है, ये ऑप्शन सही है, एफ पाई बाई टू माइनस वन आ रहा है ठीक है। कॉस के अंदर माइनस पाई स्क्वायर है, उसको कितना लिख दिया माइनस टेन क्योंकि नीचे गिरेगा, और माइनस टेन एक्स पूरा अंदर लिखा हुआ है कॉस के अंदर टेन एक्स आ गया, ये भी सिंपल है। तो एफ पाई बाई टू कितना आ रहा है, ये आप रखोगे एक्स की जगह पाई बाई टू रखोगे कॉस नाइन पाई बाई टू कितना होगा नाइन पाई बाई टू, तुम यहां पर आओगे क्योंकि हर बार आपको फोर फोर इंटरवल एड करना होता है ना, जैसे यहाँ पर थ्री पाई बाई टू है अगला क्या आएगा फोर एड करोगे सेवन पाई बाई टू, या तो ऐसे देख लो थ्री पाई बाई टू प्लस टू पाई आ गया फोर प्लस थ्री सेवन, पर सेवन के बाद चार जोड़ोगे जोड़ोगे तो कितना आएगा इलेवन, तो नाइन पाई बाई टू कहाँ आएगा यहाँ आएगा, और कॉस वैल्यू कितनी होती है जीरो माइनस वन, तो पहला ऑप्शन राइट है ठीक है। दूसरा सेकंड बोला है एफ ऑफ पाई ये वन आएगा देख लेते हैं, तो कॉस नाइन पाई माइनस वन कॉस टेन पाई वन जीरो, तो बी ऑप्शन नहीं आएगा, सी एफ ऑफ माइनस पाई जीरो आएगा, सी ऑप्शन बोल रहा है एफ ऑफ माइनस पाई जीरो आएगा, तो कॉस नाइन इंटू माइनस पाई कितना हो गया कॉस माइनस नाइन पाई कॉस नेगेटिव खा जाता है कॉस नाइन पाई कितना हो गया आपका माइनस वन, तो माइनस वन ये दे रहा है और माइनस पाई रखा तो माइनस टेन पाई लिखा हुआ है वो भी नेगेटिव खा जाएगा कॉस टेन पाई ये तो जीरो आ रहा है ना, तो ये भी ऑप्शन राइट है। और एफ पाई बाई फोर ठीक है, कौन सा ऑप्शन है लास्ट एफ पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर पे कितना हो गया नाइन पाई बाई फोर, अच्छा नाइन पाई बाई फोर कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका टू पाई प्लस पाई बाई फोर कहां पर आ गए यहां पर आ गए कॉस पाई बाई फोर, कितना लिखा हुआ है कॉस पाई बाई फोर वन बाई रूट टू लिखा हुआ है, अच्छा ये कितना लिखा हुआ है टेन इंटू पाई बाई फोर, तो टेन इंटू पाई बाई फोर बोले तो मतलब कितना हो गया फाइव पाई बाई टू, 5 पाई बाई 2 बोले तो कहां पर आ जाओगे यहीं पर, यहां वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो आपका आंसर कितना आएगा 1 बाई रूट 2, ये भाई साहब बोल रहे हैं 2 गलत बोल रहे हैं, तो आपको ऑप्शन क्या क्या आ जाएगा ए और सी आ जाएगा, दो ऑप्शन आएगा लिख लो। ए और सी आएगा ठीक है। अच्छा 81 नंबर, 81 तो काफी आसान है, ये किया भी हमने fx log x plus under root x square plus 1 ठीक है, log स्टैंडर्ड खुद में पीरियडिक नहीं है तो बाकी में क्या ही बोले तो पीरियडिक तो है नहीं। दूसरा ऑप्शन इवन, इवन और चेक कर लेते हैं, तो x से माइनस x रिप्लेस कर दिया तो जहां जहां पर x है वो माइनस x आ जाएगा, अब ये बोलोगे सर आपने यहां लिखा नहीं क्योंकि माइनस x का होल स्क्वायर तो x square ही होगा, क्या ही बोले इसमें ठीक है। अच्छा तो ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन, इसको मैं रैशनलाइज कर दिया और समझ रहे हो ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये कितना लिखा हुआ है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे वही तो लिखा है यहाँ एक्स स्क्वायर चढ़ गया तो कितना आ रहा है ये लॉग वन अपॉन में लफड़ा रहा है, तो लॉग
वन अपॉन ए कितना होता है? माइनस लॉग ए, तो कितना आ गया? माइनस लॉग ए, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग भी लगाऊंगा, लॉग वन कितना होता है? जीरो, माइनस लॉग ए आ गया ना, माइनस लॉग में ये रेशनलाइज याद आना चाहिए प्रभु, क्योंकि मेरे को स्क्वायर रूट दिख जाता है, स्क्वायर रूट जब भी दिखता है तो मेरे कॉपी में क्या चमकता है? रेशनलाइज चमकता है ना। तो ये मेरा क्या लिखा हुआ है? माइनस ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन क्या है? ऑड है, ठीक है, तो सिर्फ ऑड आएगा। अगला सवाल 81 काफी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। 82 एफ एक्स दे रखा है आपको, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, पहला ऑप्शन है कि एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू ऐसा बोल रहा है। अब ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स वन का मतलब जहां जहां पर एक्स है वहां पर आपने एक्स वन रिप्लेस किया होगा, तो यहां पर आपको क्या लिखा होगा? लॉग वन प्लस एक्स वन वन माइनस एक्स वन लिखा होगा, और यहां पर क्या लिखा होगा? वन प्लस एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू। अब ये जो एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू, इसका मतलब क्या है कि हर जगह क्या छा जाएंगे? x1 प्लस x2 जहां जहां पर x है, और यहां पर क्या छा जाएंगे? ये। अब ये log a into, अब इसको मैं कैसे ब्रेक करूं? ब्रेक ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ये ब्रेक ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि log a into log a कुछ होता ही नहीं है, इसको ना कुछ कर पाओगे ना ये हो पाएगा, ठीक है। अगर इसको मुझे log a into log b बनाना है, अब फॉर्मूला log में क्या होती है? यही दो होती है, log a प्लस log b, ये होता है log a into b, या तो log a माइनस log b हो जाए तो log a upon b, पर या तो log a into log b कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हटा ही दो आप, भूल जाओ। दूसरा ऑप्शन है fx odd है क्या, तो चेक कर लेते हैं, जहां जहां पर x है वहां पर माइनस x रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, अरे तो उल्टा ही लिखा हुआ है, log a ये log 1 by a लिखा है ना, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स अपॉन माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ, आप बेस को इनपुट, इनपुट को फ्रैक्शन को इंटरचेंज करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने लॉग वन अपॉन माइनस बारे में, तो माइनस से लिखा हुआ माइनस एफ एक्स, हाँ तो ये फंक्शन ऑड है, सी बी ऑप्शन राइट है। चलिए सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन राइट है, अभी तक इतना मालूम चला। एक से ज्यादा वाले सवाल में क्या है ना, आपको हर ऑप्शन चेक करना पड़ता है, ठीक है, हाँ ये कुछ हो सकता है, क्योंकि f log a प्लस log b वाला कुछ लगा सकता हूं, और ये प्रूफ करना है आपको f of x1 plus x2 upon 1 plus x1 x2। पहले ऑप्शन में क्या था ना, log a into log b कुछ होता ही नहीं है, तो हम कुछ कर सकते भी नहीं है, यहाँ पर log a plus log b वाली फीलिंग आ रही है, तो हम कुछ कर सकते हैं, log a into b कर देंगे तो शायद ये बना पाए, देखते हैं। तो log 1 प्लस एक्स वन वन माइनस एक्स वन प्लस log 1 प्लस एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू, तो log a प्लस log b कितना हो गया? log a इंटू बी, तो 1 प्लस एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स वन इंटू वन प्लस एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू, कुछ नया नहीं कर रहा, log a into b लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसको देखते हैं, तो ये प्रभु क्या लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं जहां जहां पर x है वहां वहां कुछ शक्ल आ जाएगी, गंदी शक्ल, 1 plus x1 x plus x2 upon 1 plus x1 x2, ये पूरा मेरा x लिखा हुआ है, 1 minus x x1 plus x2 x 1 plus x1 into x2, ये मेरा क्या लिखा हुआ है? 1 plus x 1 minus x, दूर से देखा तो 1 प्लस x1 x2 ऊपर से लगे और x1 प्लस x2, तो ये क्या बन गया? x1 प्लस x2 प्लस 1 प्लस x1 x2, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस x1 x2 ढक्कन खुल गया नेगेटिव का, x1 माइनस x2, और आप बोलोगे सर नीचे वाला कहाँ गया? वो तो कट के मर गया ना, ये नीचे ये ऊपर एलसीएम। अच्छा आप ध्यान से देखो, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 x2 plus x1 plus x1 x2 पूरा ऊपर वाला बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर करोगे तो यही बनेगा, 1 minus x2 minus x1 plus x1 x2, तो ये दोनों बराबर ही लिखे हैं, हाँ ऑप्शन सी राइट है।
ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं, एफ एक्स इवन है, कैसे इवन होगा जब ऑड हो गया तो बी और सी आपका ऑप्शन राइट है। थोड़ा गधा मजोरी है इसके अंदर, ठीक है ना, थोड़ा लॉजिकल कुछ है नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। ओके क्वेश्चन नंबर 83 आसान सवाल है, चेक करना है कि 2 cos x का पीरियड कितना आएगा, x माइनस पाई बाय 3 अपॉन 3। अच्छा स्टैंडर्ड में पीरियड से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर 2 हो, होल स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ नहीं, आपको बस देखना होता है कि जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका पीरियड कितना है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन का cos x का जो पीरियड है वो होता है 2 पाई। अब बताया था कि x के पास कोएफिशिएंट जो भी हो वही t / a में नया वाला पीरियड बन जाएगा। तो यहां पर इसको देखेंगे ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ है, x / 3 - पाई / 3। तो x के पास कोएफिशिएंट क्या है, 1 / 3 है, तो इसको डिवाइड कर दिया 1 / 3 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 पाई। यानी कि ये जो फंक्शन है ये पीरियड इसका कितना आएगा, 6 पाई। ये इसको स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा है, आप चेक कर लेना, ठीक है। अगला जो भी कोएफिशिएंट है x के पास भाड़ में जाए, स्क्वायर क्यूब फंक्शन में क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन का कुछ है, पीरियड कितना है वो निकाल लो बस, और डिवाइड कर देना कोएफिशिएंट ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 84 ये अच्छा सवाल है, ठीक है, gx का जो रेंज है डिफाइंड इन -1 से 1, और जब x डिफाइंड होता है तो डोमेन होता है, ठीक है। एरिया क्वाड्रेटर का दे रखा है इक्विलेटरल का विद टू ऑफ इट वर्टाइसेस, दो वर्टाइसेस उसके, एक ओरिजिन पर शिफ्टेड है और एक कुछ x, gx है। तो gx की जो औकात है वो 1 से लेकर -1 ही होगी, क्योंकि उसने बोला है ना gx का जो आउटपुट है वो -1 से 1 घूम रहा है। तो हाइट जो है ट्रायंगल की औकात कहां से कहां होगी, 1 से -1 में बनेगी, ठीक है। और एरिया दे रखा है इस इक्वेटर का √3/4, ठीक है। फाइंड द फंक्शन gx, gx की शक्ल बताओ। तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा बचपन में, अगर यहां से लेकर ये, इसको भी छोड़ दो भूल जाओ, ये ट्रायंगल है, अगर इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ a है, तो ये वाला क्या होगा, हाफ ऑफ कट जाएंगे, बिकॉज क्योंकि आपने ड्रॉ किया ना एल्टीट्यूड, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेट हो जाएंगे आरएसएस थ्योरम से, तो ये a / 2 हो जाएगा और ये a / 2 हो जाएगा, इतना खोपड़ी में फिट हो गया। अच्छा तो ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ ये कितनी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, √3/2 आ जाएगी। तो एरिया कितना आ जाएगा ट्रायंगल का, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है a और हाइट कितनी है √3a/2, तो कितना आ गया √3a²/4। बोले तो √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर होता है किसी भी साइड, क्योंकि साइड तो बराबर ही है, तो लिख लेना अगर नहीं पता हो तो। ओके आगे बढ़ते हैं, तो मतलब मुझे एरिया अगर दे रखा है तो मैं कंपेयर कर लूंगा √3/4 साइड स्क्वायर से। अब मैं उस साइड में इंटरेस्ट लूंगा जिस साइड में gx होगा, मुझे gx निकालना है, मैं इसमें इंटरेस्ट लूंगा नहीं, क्योंकि ये कुछ और होगा, लेट्स से x, 0 अल्फा, 0, तो यहां पे टाइम लेस नहीं करूंगा क्योंकि इसकी साइड किसके बराबर होगी, इसके साइड इसके बराबर, ठीक है। तो लेट्स से ये साइड लेते हैं, ए बी सी मार्क कर लेते हैं, तो एरिया किसके बराबर है, √3/4 इंटू ए बी के होल स्क्वायर से, साइड के होल स्क्वायर से, और ये भी कितना है √3/4, ये कट गया, मतलब 1 बराबर ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट का खोपड़ी उड़ गया ना स्क्वायर से, तो जी एक्स का होल स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी दो शक्लें आएंगी, क्या आ रहा है, एक अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या तो माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा तो ये हाइट पॉजिटिव है, ये हाइट नेगेटिव है, x की वैल्यू, ये जो gx की वैल्यू है ये माइनस 1 से 1 है, ठीक है, तो gx की वैल्यू माइनस 1 से 1 है, माइनस 1 से लेकर 1 ऐसा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस 1 से 1 होगी, ध्यान सुनना। तो अब मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो कहां से कहां होगा, 0 से लेकर 1, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0, माइनस 1 से 0,
तो माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो से लेकर वन होगी, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस यहां यहां लग जाएगा और सकल घूम जाती है जीरो से वन। अच्छा तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो से लेकर वन, माइनस वन से वन, क्योंकि माइनस वन से वन का स्क्वायर कितना होगा, जीरो से वन, ठीक है, माइनस वन से वन। अच्छा तो यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस वन से वन भटक रही है। तो अगर हाइट पॉजिटिव है तो एक तो ये फंक्शन आएगा, अगर हाइट पॉजिटिव है या तो ये ट्रायंगल भी हो सकता है, ये वाला ट्रायंगल भी तो हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि x की वैल्यू माइनस वन से वन है। तो जीरो से लेकर वन में या तो ये बना लो और माइनस वन से लेकर जीरो में ये बन जाएगा नीचे वाला, तो माइनस वन से जीरो में ये वाला आएगा हाइट, मतलब जी एक्स ये रहेगा, और जीरो से वन में ये वाला रहेगा। लिख लो आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 85 भाई, डोमेन बताना है, सिंपल है, फंक्शन का डोमेन, डोमेन ये फंक्शन ऐसा दे रखा है x माइनस थ्री। डोमेन में तो बहुत ही, आपने कितने सवाल कर लिए होंगे टेम्पलेट में अपने मॉड्यूल में, तो काफी गिरा हुआ सवाल है, बट ऐसे ऐसे नंबर हटा दो जिसमें नीचे वाला लफड़ा जीरो हो या तो अंडर रूट जहां भी आए वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। अब नीचे क्या देखा है, वन, यानी कि ये वैल्यू जो है वो वन नहीं आनी चाहिए, और एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता पर नीचे है तो ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए, जीरो हो जाएगा तो नीचे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो चार से बड़ी, एक्स की वैल्यू क्या से क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस टू यूनियन टू से लेकर इंफिनिटी, सही बात है ना। अब इसमें वन तो ऐसे भी नहीं आ रहा, तो आपका डोमेन क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। करता हूं आसान सवाल है, और अगर x square minus 4 greater than 0 कर दो, x minus 4 x plus 4 x minus 2 x plus 2 आ जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 86, हाँ ये थोड़ा अच्छा सवाल है ना, 86 नंबर भाई, आपको बताना है कि इसका डोमेन बताओ, डोमेन। अब cos inverse आ गया तो दिक्कत थोड़ा पैदा करेगा, तो x square अपने को क्या दिक्कत है, अपने को तो सब फंडामेंटल क्लियर है, तो क्या दिक्कत है, हटाओ इस मारने के सवाल, कर लेते हैं फटाफट। cos inverse अंडर रूट x square plus 3x, चलिए करते हैं। तो डोमेन के अंदर क्या बताया था फंडा, बाहर से अंदर जाने का, तो पहले लिखा cos inverse के अंदर जो भी लफड़ा लिखा हुआ है, अब स्क्वायर रूट है तो 0 से 1 ही देगा, वैसे जनरली माइनस 1 से 1 होता है, पर 0 से 1 देगा, cos square लगा दिया 0 से 1 होगा। अच्छा ये जो है इसको अगर इसकी हमें पोस्टमार्टम करें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका जो है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसका डी कितना आ रहा है, 9 माइनस 4 5, मतलब पॉजिटिव है, दो रूट आएंगे, जीरो पे कितना आ रहा है 1, ठीक है, और एक रूट नेगेटिव रूट पॉजिटिव, कुछ ऐसा होगा समथिंग समथिंग, ऐसा ग्राफ बनेगा। अच्छा मुझे जो इसकी आउटपुट चाहिए वो वाई इक्वल टू जीरो से लेकर वाई इक्वल टू वन चाहिए, कितना खोपड़ी में क्लियर है। तो जीरो मतलब यहां से जो इसके रूट होंगे अल्फा और बीटा, तो बीटा से यहां तक वैल्यूज आएंगी जो जीरो से वन दे रही है, और ये जो माइनस वन यहां देगा वाई वन देगा जिस वैल्यू पर, वहां से वहां तक सेट आएंगी ना, ये सेट आएगा एक्स का, ये सेट आएगा मेरा एक्स का, इतना समझ में आ गया, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक वैल्यू जीरो से वन मिल रही है और यहां से लेकर यहां तक भी जीरो से वन मिल रही है। तो फटाफट इसके रूट निकाल लेते हैं, तो इसका रूट कैसे निकालेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू, इसके रूट है। अच्छा ये वैल्यू देखते हैं कि वन कहां का लेता है, इसको वन मान लेते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट ये है ना, ये कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ग्राफ का और वाई इक्वल टू वन का। तो अगर मुझे एक्स पॉइंट निकालना है कि कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, इक्वल टू वन, तो एक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू दो आ रही है, जीरो और माइनस थ्री, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है जीरो रखोगे तो वन मिलेगा, ठीक है, जीरो रखोगे तो वन मिलेगा और एक मिल रहा है माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री रखोगे ये पॉइंट,
जीरो पे वन मिल रहा है ना। अरे ग्राफ थोड़ा मैंने, वैसे दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही है, माइनस थ्री एक ये रूट आ रहा है और एक आ रहा है, देखो ध्यान से, ये भी नेगेटिव है और रूट फाइव की वैल्यू 2.5 जितनी आसपास है, 6.25, 2 से 2 का स्क्वायर 4, 2.5 कितना हो गया 6.25, 2.4, 2.4, 16 और 5, 76, 23, 23 देख लेते हैं, ठीक है, ये 6, 12 और 4 और 09, यानी कि 5 में 9, 22 का सही है, 22 कितना है, ये 2 × 11 ना, तो 22 का स्क्वायर, ओके, ये आएगा 242 × 2, 484, हाँ, तो 2.2 से 2.2 के ज्यादा है, थोड़ा आसपास ना, 2.2, ओके, तो कितना लिखा हुआ है, -3 + 2.2, तो नेगेटिव ही आ रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा ना बन के, मैं तो खाली एप्रोक्स बनाया था, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा बन रहा होगा, जीरो पे वन, ये बीटा यहाँ पर, ये अल्फा यहाँ पर, और ये वैल्यू जो है ये -3, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -3 से लेकर सबसे छोटी वैल्यू ये रहेगी -3 -√5/2 तक, ठीक है, यूनियन बीटा, बीटा क्या है प्रभु, ये -3 + √5/2 से लेकर 0 तक, ठीक है ना, 0 तक, ये आपका सेट है इस वाले के लिए, इतना लिख लो। अच्छा अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये cos inverse के अंदर जो भी लिखा है वो -1 से 1 होना चाहिए, पर अंडर रूट में लिखा हुआ है तो 0 से 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब x2 + 3x 0 से 1 होना चाहिए। अच्छा तो x2 + 3 ग्राफ कैसे देखें, इसका रूट ऐसे दिखा होगा 0 और -3, 0 पे कितना आ रहा है 0, और -1 पे कितना आ रहा है -3 पर 9 - 9 0, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका, ठीक है, अपवर्ड फेसिंग है, अपवर्ड फेसिंग है, इसका रूट क्या चाहिए, y = 0, y 1 से लेकर y = 0, मतलब इस केंद्र x का सेट, तो देखते हैं ये 1 कब हो रहा है, तो x2 + 3x इक्वल टू 1 कर देते हैं, तो -1 = 0, इसके रूट क्या आ रहा है, इसके रूट क्या आ रहा है, इसके रूट आ रहा है -3 + -9 + 4 = 13, इसकी दो रूट आ रही है -3 + √13/2 और एक आ रही है -3 - √13/2, जहां पर ये 1 देगा, ऐसे दो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना जहां पर 1 देगा। अच्छा तो ऐसे देख लो, -3 + ये 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा, 4 का स्क्वायर 16, 3 से बड़ा, 3.5 कितना हो गया, 3.5 हो गया आपका 12.25, 3.5 से बड़ा, तो दिखा ना 3.5 - 3.5/2 0.25, तो ये जो पॉइंट है 0 से बड़ी वाली होनी चाहिए जहां पर इंटर कर रहा है, वो मेरी ये वाली पॉइंट है, और ये वाली पॉइंट कौन सी है, ये तो -3 रूट है जहां पर ये 0 हो रहा है ना, ये 0 हो रहा है, ये वाला पॉइंट, तो ये -3 छोटी है, दिखा -3 और माइनस कर दिया, तो अपना आंसर कितना आएगा, ये वाला पॉइंट यहां से लेकर कहां तक, -3 तक, यूनियन 0 से लेकर, 0 कहां गया, ये रहा 0 से लेकर उससे बड़ा -3 + √13/2, तो ये -3 से शुरुआत कर रहा है आगे तरफ, ये -3 छोटा है तो इनका कॉमन पार्ट क्या हो गया, -3 हो गया सिर्फ, है ना, -3 से इस तरफ, -3 से इस तरफ, तो कॉमन पार्ट कितना है, कॉमन जवाब देना होता है ना, इसका डोमेन इंटरसेक्शन, और इसमें 0 के इस तरफ वाला पार्ट है और ये 0 के इस तरफ वाला पार्ट है, तो 0 कॉमन ही है, तो दो ही आंसर आएंगे आपके, एक -3 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर। अब क्या है कि बोर्ड खिसक जाता है तो क्या करें, ठीक है,
टांगेंगे तो दीवार खराब हो जाएगी। इससे अच्छा ये मूवेबल वाला है, थोड़ा कहीं भी घुमा सकते हैं, कहीं भी फिरा सकते हैं इसको। ऐसा पता लगता है कि मैं खुद से बात कर रहे हैं। अब बच्चे सामने हैं नहीं, ऑनलाइन क्लास चल रही, जानती हो कितनी दुख वाली बात है। पर अपना काम ये है कि एजुकेशन प्रोवाइड करो फ्री में ना। विदास गुप्ता की सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, बहुत खुशी मिलती है मेरे को जब ऐसे मेरे कमेंट्स आते हैं कि थैंक यू करके आता है, तो मुझे ऐसा प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं मैं और लेक्चर आपको अपलोड करूंगा। विदास गुप्ता हो जाएगा फिर और तगड़ी तगड़ी जो बुक ऑफ बुक्स है वो भी अपलोड करूंगा आप लोगों के। JEE एडवांस के लिए आप यूं तैयार हो जाइए, ठीक है ना। कोई भी अनसॉल्व बुक, एसएल लोनी, यूडी बर्मन, सब खत्म करेंगे अपने, ठीक है। पहले ही खत्म कर लेते हैं। तो इसका डोमेन निकालना है लॉग जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी जुड़े हैं मेरे से, बस अपडेट रहे। मुझे ज्यादा सब्सक्राइबर तो भगवान की दुआ से अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, जितने लोग पहुंचेगा उनका फायदा होगा। तो ऐसा नहीं इच्छा कि सब्सक्राइबर बढ़ाऊं मैं, वो अपने आप बढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसको जिसको जिसकी की पहुंच जहां तक होगी वहां वहां जिसको फायदा होगा उसको लगेगा कि उसको फायदा हो रहा है, तो वो अब आगे वो पहुंचाएगा। बाकी बच्चे जो जिसके पास सुविधा नहीं है कोचिंग, अच्छी सी कोचिंग में जाने की, तो विदास गुप्ता का सोल्यूशन अगर कर लेगा वो, सिर्फ विदास गुप्ता। कोरा में देखता हूँ मैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं सर विकास गुप्ता की बुक कैसी है, विदास गुप्ता कैसा है। सब बुकें अच्छी हैं, सब बुकें अच्छी हैं, बट विदास गुप्ता बहुत ही अच्छी है। आप जानते होंगे ऑल इंडिया रैंकिंग जो वन आया था 2017 में, अर्पित करके कोई लड़का है, उसके मैंने वीडियो देखे थे, वो भी उसने भी विदास गुप्ता ही पढ़ा था, विदास गुप्ता बस। और अपने जो मॉड्यूल्स आते हैं आप कोचिंग जिसमें ज्वाइन किए हो उसके मॉड्यूल्स, वो स्टार्टिंग लेवल है, फिर आप इसमें आइएगा, आपको फील आ ही रहा होगा कितने अच्छे सवाल है इसमें, अच्छे अच्छे इजी सवाल है, फिर ऐसा सवाल आ जाएगा कि आप पढ़ा देंगे ये क्या हो गया, उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा। यू हैव टू जस्ट चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस टू सॉल्व दिस विदास गुप्ता, ठीक है। मैं आपके साथ लगे रहो आराम से, ठीक है, हो जाएगा सब सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट कर दिया, देखो क्या जरूरत है, इसको लॉग भी दे दिया मॉड भी दे दिया, करते हैं। पहले देखा मैंने स्क्वायर रूट, तो फंडा पता ही है बाहर से अंदर आने का, तो ये पूरी शक्ल क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए खोपड़ी में, क्लियर। अब लॉन्ग है इसका बेस जो है 10 होता है, अगर नहीं दिया है तो 10 ही मानते हैं, 1 से बड़ा है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन मॉड साइन एक्स जो है लॉग हटा ये e की पावर है ना, 10 की पावर 0, यानी कि ये क्या हो गया 1 से बड़ा। अब जब रेसिप्रोकल करते हैं हम लोग तो ये साइन घूम जाता है, जैसे 1/2 जो है, जैसे अगर 2 है वो बड़ा है 1 से, उल्टा करोगे तो हाफ छोटा हो जाएगा 1 से, तो घूम गया ना वो। अब मॉड साइन एक्स की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी प्रभु, -1 से 1, क्योंकि मॉड तो मुझे 1 से कम ही लाएगा, इसकी औकात भी 1 से ज्यादा है ही नहीं, तो मॉड की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 घूमेगी। अच्छा तो x बिलोंग्स टू r आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रखो। हाँ एक दिक्कत वाली बात है कि मॉड साइन एक्स बस 0 ना हो जाए, ठीक है ना, 0 ना हो जाए। तो sin x mod sin x का 0 होना यानी कि x belongs to वो वाला एंगल्स आ जाने, ये एंगल्स अगर आ जाएंगे तो मॉड हो चाहे स्क्वायर हो कुछ भी हो साइन पे वो तो 0 होना ही है। तो x की वैल्यू r सभी रखो पर कौन सा एंगल मत रखो, ये n पाई वाला मत रखो, तो यही इसका इसका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या आएगा, यही आएगा r रखो पर n पाई मत रखना। किसको दिक्कत नहीं, लॉक को दिक्कत नहीं है ना, स्कर्ट को दिक्कत है, किसको दिक्कत है, ये नीचे वाले को दिक्कत है, वो हमने हटा दी। और वैसे भी 1 अपॉन मॉड साइन एक्स है लॉक के अंदर, वो तो पॉजिटिव है ही है, वो तो क्या दिक्कत है, ये तो है ही ना, ये तो पॉजिटिव है ही, कोई मॉड लगा हुआ है तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो यही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 भी अच्छा सवाल है, तो कौन से x के लिए आइडेंटिकल है,
जनरली आइडेंटिकल नहीं होंगे क्योंकि इसका डोमेन इसका डोमेन अलग अलग हुआ, आइडेंटिकल बनाना है तो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, उनका कॉमन पार्ट अपना आंसर है। ठीक है, तो जैसे दिख रहा है कि कॉस इनवर्स के अंदर जो लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो 0 से 1 ही होगा। ठीक है, तो हटा दिया स्क्वायर रूट तो ये भी क्या होगा, 0 से 1 होगा, ये तो हमने किया ही था, तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 से 1। तो डोमेन जो इसका है वो माइनस 1 से 1 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 आएगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 आएगी, तो ये 0 से 1 आएगा तो cos इनवर्स हमेशा आंसर क्या देगा, 0 से 5 / 2 देगा। इतना समझ में आ गया जी? अच्छा, पर इनकी दिक्कत क्या है कि अगर इनको आंसर 0 से 5 / 2 देना है, अब इसका डोमेन तो ये माइनस 1 से 1 ही है इस फंक्शन का, पर इसका आंसर फिक्स है 0 से 5 / 2। अच्छा, इसका डोमेन देखते हैं, इसका डोमेन क्या है, माइनस 1 से 1। अगर इसमें मैं दो केस ले रहा हूं, अगर माइनस 1 से 0 लेते हैं, अगर माइनस 1 से 0 तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, ये एंगल कहां से कहां देगा, ये देगा मेरे को माइनस 5 / 2 से लेकर 0 देगा। सही बात है ना, माइनस 1 से 0 अगर डालूंगा, अरे इसका डोमेन तो पता है ना, माइनस 1 से 1 आएगा, तो केस में चल रहा हूं माइनस 1 से 0, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 5 माइनस लगा दिया तो 0 से 5 / 2 आ गया ना वाई वैल्यू बराबर। अगर दूसरा केस लेता हूं 0 से 1, अगर ये भटक रहा है तो साइन इनवर्स x कहां भटकेगा, ये भटकेगा आपका 0 से 5 / 2। ठीक है, ये साइन इनवर्स x का इसकी वैल्यू का 0 से 5 / 2 माइनस लगा दोगे तो माइनस 5 / 2 से 0। तो बात है कि डोमेन तो बराबर है, इसका भी माइनस 1 से 1, तो इसका भी माइनस 1 से 1, पर रेंज बराबर नहीं हो रहा है। तो आइडेंटिकल कब होगा, जब डोमेन बराबर होगा, रेंज बराबर होगा, डोमेन तो बराबर है, रेंज कब बराबर होगा, जब x की वैल्यू माइनस 1 से 0 लूंगा, x की वैल्यू माइनस 1 से 0 लूंगा, तो ये तो हमेशा 0 से π / 2 आएगा, ये भी 0 से π / 2 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस की वजह से, तो डोमेन क्या हुआ मेरा, फाइनल इंटरसेक्शन क्या हुआ मेरा, आंसर माइनस 1 से 0 ले लूंगा मैं, तो हमेशा ये तो डोमेन इसका यही आएगा, डोमेन एक्चुअली में r था, माइनस 1 से 1 था, पर दिखा था ना इस वाले केस में क्या था, नेगेटिव आ रहा था, जो कि इसका रेंज के बराबर नहीं हो रहा था, तो इस वाले केस में ये वैल्यू वही दे रहा है जो ये दे रहा है, तो बराबर y टर्म भी तो आ गया ना, तो y टर्म बराबर कहां है, इसी डोमेन में आया, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में, तो मेरा डोमेन भी यही होगा, जिसमें डोमेन तो बराबर हो जाएगा, है तो है ही, रेंज भी बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, डोमेन बताना है इस फंक्शन का, 4fx प्लस 4 1 माइनस fx इक्वल टू 4 पावर x, बताओ डोमेन, मतलब कि आपको x की वैल्यू घेरनी है, थोड़ी देर के लिए fx को y मान लेते हैं, तो 4 की पावर y और ये लिखा हुआ है 4 इंटू 4 की पावर y, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 माइनस y है ना। अच्छा, 4 की पावर y को थोड़ी देर के लिए मैंने अल्फा ले लिया, तो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू अल्फा इंटू 4 की पावर x, तो अल्फा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गया, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा 4 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक 0 है, रूट दे रहा है, और अल्फा जो है ये कैसा है, यहाँ पर अल्फा पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो अल्फा अगर पॉजिटिव है तो मतलब इसके रूट भी कैसे आएंगे, अगर इसके रूट चाहिए 2 या 0, एक रूट चाहिए, दो रूट चाहिए, तो इसका डी क्या होना पड़ेगा, डन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनरी भी तो आ सकता है, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होना चाहिए, यानी कि 4x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16 होना चाहिए। ठीक है, तो 4x की वैल्यू कहां से कहां हटेगी, माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 4 यूनियन 4 से लेकर इंफिनिटी। सही बात है ना, जैसे x का ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर इसका स्क्वायर रूट, ऐसा। पर 4x तो खुद में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक है ना, पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो 4x की वैल्यू कहां से कहां होगी प्रभु, 4 से लेकर इंफिनिटी होगी। अब 4 की x की वैल्यू 4 से इंफिनिटी होगी, और 4x जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है,
तो जब y की वैल्यू 4 मिल रही होगी तो पावर x 1 रहा होगा, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी जाएगा, x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, ये आपका डोमेन। अगला स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 90, एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस ए एक्स, ये पीरियडिक होगा अगर ए रेशनल है। अगर ए उल्टा सोचते हैं, इसका पीरियड कितना आएगा 2 पाई, इसका पीरियड कितना आएगा 2 पाई बाई ए। अगर ए इरेशनल है, इरेशनल, तो मान लेते कोई ए पाई मान लेते हैं, तो 2 पाई बाई 2, 2 पाई, चलो 2 पाई मान लो, पाई मान लो, तो ये कितना आएगा 1 आएगा, या तो पाई मानोगे तो 2 आएगा। तो ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो इसका एलसीएम तो निकल ही नहीं पाएगा, कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं, है ना, दोनों बराबर नहीं होंगे। जब भी इसका डोमेन, इसका पीरियड निकालते हैं, इसका पीरियड निकालते हैं, उसका एलसीएम लिखते हैं, जिसमें ये भी सेटिस्फाई करे, ये भी सेटिस्फाई करे, तो एलसीएम तो निकल ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये डोमेन इरेशनल है, ये रेशनल बन जाएगा। अच्छा, और अगर ये इरेशनल है, तो अगर ये रेशनल हो गया, तो लेट से मैंने मान लिया 2, तो ये पाई हो जाएगा, तो कॉमन पीरियड कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम। अगर मैं इनका एलसीएम निकाल लूं तो क्या जाएगा, इसका 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इसका क्या आ रहा है पाई 2 पाई 3 पाई, तो 2 पाई क्या आ रहा है एलसीएम, ठीक है ना। तो अगर इसमें आप रखोगे x प्लस 2 पाई, ठीक है, तो यहां पर कितना लिखा हुआ है, तो sin x ही आ जाएगा, और यहां कितना आएगा, यहां मैंने a 2 लिया है ना, ध्यान रखना, तो cos 2x लिया हुआ है, हिट एंड ट्रायल बता रहा हूं मैं आपको। वैसे आंसर तो मेरा दिख गया कि a रेशनल के लिए पाई और 2 पाई बराबर बात कर सकते हैं ना। अगर a रेशनल रहा है तो इरेशनल अपॉन रेशनल कितना हो जाएगा, इरेशनल, ये इरेशनल है, तो इरेशनल इरेशनल का तो निकाल पाओगे एलसीएम, बात ये है। अगर आपने इसको इरेशनल ले लिया तो कभी कभी रेशनल बन जाएगा और वहां पर ये एलसीएम निकाल नहीं पाओगे, तो ए रेशनल रहना चाहिए ना, ए रेशनल रहना चाहिए, वही समझा रहा हूं। तो स्टेटमेंट ट्रू है, ए रेशनल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रभु जैसे मान लो ये फ्लोर है, ये 2x है ना, एलसीएम वाली बात ये है, जैसे इसका आप निकालोगे तो पीरियड कितना है 1, इसका पीरियड कितना है 1 होता है बाई 2, क्योंकि कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई है, तो ये मेरा एफ एक्स है, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका चल रहा है 1, फिर 2, फिर 3, टेबल लिख रहा हूँ ना, टेबल, इसका आ जाएगा 1/2, फिर अगला आएगा 1/4, फिर 3 करेंगे तो 3/2, ठीक है ना, 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3/2 आ गया। जैसे पाई है, अगर 2 पाई है कोई साइन इसका पीरियड, तो टेबल लिखते हैं ना, 4 पाई में पीरियड होगा, 6 पाई में पीरियड होगा, 8 पाई पीरियड होगा, वही लिख रहा हूं मैं। जैसे अगर पीरियड इसका हाफ है तो 1 भी पीरियड होगा इसका, 3/2 भी पीरियड होगा, फिर 2 भी पीरियड होगा, तो दिख रहा है ना, 1 2, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो मिनिमम नंबर क्या है 1, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 1 आएगा। इसमें मतलब ये है कि जब आप रखोगे एलसीएम 1 एक्स प्लस 1, तो ये भी इसका पीरियड भी वही बैठेगा, इसका पीरियड वही बैठ जाएगा, क्योंकि 2x प्लस 2 हो जाएगा, और 2 2, अगर 1 इसका हाफ है तो 2 भी पीरियड होगा ना, 2 भी होगा, तो एलसीएम लेना होता है मेन फंडा ये, ठीक है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम उसमें भी वो सेटिस्फाई करेगा ऐसा। क्वेश्चन 91 क्या है, इवन इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन, इवन होगा भाई कैसे होगा, वाहियात बात लिखी हुई है, ये नेगेटिव खा जाएगा, ये नेगेटिव बाहर निकाल देगा, तो ये नेगेटिव बाहर निकाल देगा, तो ये तो ऑड हो गया ना, इवन कैसे हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट है, कटाओ। 92, ये पीरियडिक है क्या, तो भाई साहब देखो x ए पीरियडिक है, ये पीरियडिक है,
ये कैसा है, x जो है y इक्वल टू x, ये पीरियोडिक है कि नहीं है, फ्लोर ऑफ x पीरियोडिक, दोनों पीरियोडिक नहीं है, ठीक है ना, तो बोल सकते नहीं है। चलिए वैसे तो ए पीरियोडिक क्या आएगा, आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, इसको तोड़ देते हैं ना, फ्लेक्स तोड़ते हैं इसको, तो जीरो से वन के लिए अगर एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर वन के बीच में है तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो, फिर वन से लेकर टू में, टू से लेस तो ये एक्स आ जाएगा, टू से लेकर थ्री में ये कितना आ जाएगा, टू एक्स, टू एक्स आ जाएगा, थ्री से लेकर फोर में ये थ्री बन जाएगा तो थ्री एक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं ग्राफ, जब ग्राफ बनाएंगे तो जीरो से लेकर वन में y इक्वल टू जीरो, फिर जैसे ही बनाओगे तो x, वन पर कितना है वन, ये लाइन होगी, ये वाली ऐसे ना, y इक्वल टू x, वन से लेकर ये टू, टू पर होलो है, टू पर टू आ रहा है, टू पर कितना आना चाहिए फोर, थोड़ा ऊपर आ जाएगा और अगेन टू एक्स ऐसा, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है। अच्छा y इक्वल टू x है तो y इक्वल टू x थोड़ी ऊपर आएगी ना, क्योंकि स्लोप अगर वन है और स्लोप टू है, थोड़ा थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, थोड़ा ऐसे बोलो ना ऐसे। फिर थ्री एक्स में कैसा आएगा, एक्स इक्वल टू थ्री पर, एक्स इक्वल टू थ्री पर ये सिक्स है और थ्री पर एग्जैक्ट नाइन है, तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा। तो कहाँ है पीरियडिक, पीरियडिक नहीं है ना, ग्राफी देख लो, कुछ पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा, पैटर्न अगर मानते ये रिपीट होता तो बोल सकते थे कि ये पार्ट रिपीट हो रहा है वन वन इंटरवल पर, पर थोड़ा ये एक्स है तो फंक्शन चेंज हो रहा है ना, फंक्शन चेंज हो रहा है, टू एक्स, टू एक्स फिर थ्री एक्स, तो पीरियडिक है नहीं, ए पीरियडिक है, क्योंकि पीरियडिक का मेन फंडा क्या है कि उस टाइम इंटरवल पे अगेन वाई की वैल्यू सेम आए, वाई की वैल्यू सेम आना, तो वाई की वैल्यू सेम कहां आ रही है, अलग अलग आ रही है ना हर पार्ट में, ऐसा इसमें क्या है, वाई की वैल्यू सेम आ रही है भले एक्स बदल रहा हो, वाई की वैल्यू अगेन वही रिपीट हो रही है, या वाई की वैल्यू रिपीट कहां हो रही है ऐसा, तो ये नॉट पीरियडिक है, तो ये भी वाई इक्वल टू एक्स ए पीरियडिक, y इक्वल टू फ्लोर x ए पीरियडिक, ए पीरियडिक ए पीरियडिक ए पीरियडिक, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 भाई, एफ एक्स दे रखा है, फ्लोर ऑफ x, मोड ऑफ x इनटू x और x इज नॉट इक्वल टू जीरो, बात सही है, आपको बताना है f ऑफ अल्फा का मोड माइनस f ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू टू होना चाहिए, अल्फा डज नॉट इक्वल टू जीरो। वैसे भी अगर इसको आप ब्रेक करेंगे इस फंक्शन को तो इसकी दो शक्लें आएंगी, अगर x पॉजिटिव होगा तो ये x बन जाएगा x x1 और x नेगेटिव पे कितना बन जाएगा माइनस वन। तो अगर आप देखेंगे ये खुद में अप्रॉक्स सिग्नम जैसा दिख रहा है, वन और माइनस वन, ठीक है, सोचते हैं केस वन लेते हैं, अगर अल्फा पॉजिटिव लिया मैंने, इंटेक पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव इंटेक लिया तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये इंटेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा इसका मॉड, तो अगर एफ का इंटेक पॉजिटिव है तो वही वैल्यू वन देगा, इंटेक नेगेटिव है तो माइनस वन देगा, नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया वन, तो टू आ रहा है, हाँ पॉजिटिव आ रहा है तो इसका राइट है। केस टू लेते हैं जिसमें मैंने इंटेक, इंटेक की शक्ल बदल गई है, एक्स ही है जल्दी मान लो, एक्स नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स तो इंटेक नेगेटिव आ रहा है, इस वाले में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसने जांच के मॉडल लगाया क्योंकि पता है नेगेटिव आएगा तो प्लस प्लस कर देंगे टू बन जाएगा, तो नेगेटिव वाले के लिए इंटेक माइनस वन, इसके लिए वन, तो आ गया ना टू मॉड, इसलिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए भाई साहब ने मॉड लगाया कि आप इसका भी आंसर टू बना दो। आसान सवाल है, बस जब भी मॉड आए, फ्रैक्शनल आए, फ्लोर आए, इसको आप नॉन फंक्शनल पार्ट वाइज करके फिर ग्राफ बनाए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, डोमेन, डोमेन जो है इस भाई साहब का, गंदे वाले भाई साहब जो है, गंदे वाले भाई साहब का लॉ बाहर आएगा, फिर इनपुट में है 3 माइनस एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन,
इसका इंटरवल डज नॉट कंटेन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस फाइव यूनियन, इसका डोमेन है वो इसके अंदर नहीं आ रहा, तो डोमेन निकालना ही पड़ेगा। निकालते हैं, पहले लॉग के अंदर जाते हैं, लॉग के अंदर अंडर रूट लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के अंदर जो भी नहीं पॉजिटिव है वो स्क्वायर रूट लेकर स्क्वायर रूट जीरो भी देता है, तो इसका मतलब जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वो पॉजिटिव हो, ये सिर्फ पॉजिटिव हो, इक्वल टू जीरो वाली साइन नहीं लूंगा क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो ये लॉग मना करेगा लेने के लिए, तो ये आएगा ठीक है ना। अच्छा तो इसके रूट्स मार्क कर लेते हैं। अच्छा माइनस वन, फिर फोर, ये तो रूट क्या है था माइनस टू, इसका रूट क्या है, अच्छा इसको मैंने घुमा के लिख दिया ना एक्स माइनस थ्री, तो ये नेगेटिव बाहर छोड़ देगा यानी घूम जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि फंडा ये है कि जैसे ही टिक मार्क करूंगा तो रॉन्ग राइट करते हैं, वो कब होगा जब सभी एक्स के पास साइन प्लस की होगी तभी वो बैठ पाएगा सही बात, ठीक है ना। और ये थ्री, ये सभी लेना मना है क्योंकि अगर ये ले लूंगा मैं तो ये माइनस टू लूंगा तो ये जीरो जीरो बन जाएगा, वो भी लेना मना है और नीचे जीरो होना ही चाहिए, तो फोर रखेंगे तो फोर से ज्यादा सोचो तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये राइट रॉन्ग कभी तभी कर पाओगे जब ये वैल्यू एक्स के पास सभी साइन प्लस कंडीशन, इसलिए मैंने उसको घुमाया था। अच्छा अपने को नेगेटिव वाला केस चाहिए, तो नेगेटिव वाला केस कौन सा भाई साहब, जो रॉन्ग वाला है, क्योंकि राइट वाला क्या है पॉजिटिव वाला है, अपने को नेगेटिव वाला चाहिए तो रॉन्ग वाला नेगेटिव है, तो अपना आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस टू से लेकर माइनस वन यूनियन थ्री से लेकर फोर, तो इस वाले इंटरवल में ही कहां आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो स्टेटमेंट राइट है, ये कंटेन नहीं करेगा, ऐसा आंसर सिंपल, स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ठीक। तो अब जो सवाल बचे लास्ट में वो चैप्टर टेस्ट के हैं। चलिए वैसे मेरा प्लान था हर लेक्चर में 20-20 सवाल कराना, तो 94 दो सवाल चैप्टर टेस्ट कर लेते हैं तो 20 हो जाएंगे ना, 77 से स्टार्ट किया ना मैंने, चैप्टर टेस्ट सबका सॉल्यूशन देना मेरा कर्तव्य है, सबका सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको, या प्रैक्टिस चैप्टर टेस्ट खुद से करें और उसका आंसर आपको चाहिए होगा ना तो यहां से मिल जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एफ एक्स जो है वो 1 - x / 1 + x है और x पॉजिटिव है, आपको बताना है लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू क्या आएगी एफ ऑफ एफ एक्स की प्लस एफ ऑफ 1 / x की, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है मिनिमम बतानी है, तो मतलब मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, तो ये फंक्शन पूरा जाएगा अगेन, ये पूरा जो वैल्यू है एफ एक्स ये कहां जाएगा अगेन फंक्शन में जाएगा, मतलब जहां जहां पर x है वहां वहां पर, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा 1 - x / 1 + x, 1 + 1 - x / 1 + x, ठीक है पूरा डालना है ना एफ एक्स, एक्स की जगह पर डाल दिया, अब एलसीएम लिया तो 1 + x - 1 - x / 1 + x + 1 - x, तो 1 - 1 कट गया, x प्लस x कितना आ गया प्रभु 2x आ गया और नीचे 2 लिखा हुआ है यानी 1, तो ये वैल्यू कितनी लिखी हुई है सॉरी 2x और नीचे कितना लिखा हुआ है 2x आ गया, तो इसकी वैल्यू आ रही है x, ठीक है। अब इसमें पहले तो f ऑफ 1/x निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं 1 - 1/x, 1 + 1/x, तो ये हो जाएगा x - 1 / x + 1, अब ये जाएगा पूरा जहां जहां पर x है वहां पर, क्योंकि f के अंदर डाल रहे हो ना फंक्शन डाल रहे हो, तो ये हो जाएगा 1 - x - 1 / x + 1 ये पूरा जाएगा इसमें ना, हाँ सही है, और 1 + x - 1 / x + 1 x + 1 तो बाहर में हट गया कैल्शियम से, x + 1 - x - 1 और नीचे क्या आएगा x + 1 + x - 1, तो x कट गया, 1 + 1 कितना आ रहा है 2 और नीचे कितना आ रहा है 2x, तो ये 1/x है, तो देखा देखा सकल लग रहा है, मतलब ये x और ये 1/x,
एक्स प्लस वन बाई एन, और इसने बोल रखा है पॉजिटिव, अगर ये डज नॉट इक्वल टू जीरो बोलता, मतलब डज नॉट इक्वल टू माइनस वन बोलता, ठीक है, मतलब कुछ नहीं बोलता, तो ये वैल्यू दो आती है ना, इसकी रेंज कितनी आती है, एक्स पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू टू और नेगेटिव के लिए माइनस टू से छोटी, तो लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो पॉजिटिव बोला इसने, इसलिए पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, लीस्ट वैल्यू टू आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटेक लोगे तो टू आएगा, एम जी एम से देखा ना आपने, एम कोई भी पॉजिटिव दो नंबर के लिए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, तो इन दोनों नंबर का एम कितना आएगा ये, और इन दोनों का जीएम कितना आएगा, स्क्वायर रूट, तो ये तो वन लिखा हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, टू आएगा ना, बार बार शक्ल देखा होगा ना मॉड्यूल बहुत सारे सवाल में, इजी है, वन का वन मतलब मेरे लिए कितने सॉल्व करें, 27 से 93 तक ना, ठीक है, चलिए और कर लेते हैं, फर्स्ट एफ एक्स दे रखा है अंडर रूट ऑफ लॉ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, दो में बताना है, दो में क्या होता है फंडा, पहले अंडर को देखते हैं, तो जो भी अंदर लफड़ा लिखा हुआ है, जो भी लफड़ा लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसका मतलब लॉग नहीं दिया बेस, तो बेस डेंस होगा, तो वन से बड़ा है, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 0 1 हो जाएगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये घूम गया माइनस 4, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये कितना तोड़ दिया इसको मैंने, फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां से प्रभु क्या आ रहा है, x belongs to 1 से लेकर 1 से 1 से लेकर 4, 1 पर 4 पे क्लोज आएगा, क्योंकि ये जीरो भी लेना है, ये जो इसका कंडीशन देखा मैंने इंटर रूट का, फिर लॉग के अंदर घुसा, तो 5x minus x square by 4 ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x square minus 5x less than 0 होना चाहिए, इसका रहना ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद में पॉजिटिव नंबर लिखा है, तो कोई मल्टीप्लाई बाय, यानी कि x x minus 5 less than 0, यानी x belongs to क्या होगा, छोटे रूट से बड़ा रूट, तो इसका और इसका कॉमन पार्ट क्या आएगा, 1 से लेकर 4 ये ही आएगा ना, 1 से 4 इसमें आ रहा है, तो आपका आंसर ये होगा कॉमन पार्ट, ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, वन का सी निकाल लेते हैं भाई, ये भी करा होगा क्लास में किया होगा आपने, एफ एक्स है इसका डोमेन रेंज निकालना है, 1/3 cos x - 4 sin x + 5, ठीक है, ये इसका डोमेन निकालो और इसका रेंज निकालो, इसका मतलब ये कि जो नीचे वाली शक्ल है वो जीरो नहीं होनी चाहिए डोमेन के लिए, 3 cos - 4 sin x ये प्लस 5 ग्रेटर देन जीरो नहीं होना चाहिए, यानी 3 cos x - 4 sin x ये माइनस 5 नहीं होना चाहिए, मतलब इसका जो इसका रेंज कितना आएगा, माइनस 5 से 5, तो हाँ ये माइनस 5 से 5 देता है, तो इसका मतलब माइनस 5 नहीं होना चाहिए, तो हम एंगल निकाल लेते हैं जनरल सॉल्यूशन, जहां पर माइनस 5 दे रहा है उसको फाइनल में निकाल फेंक देंगे, क्योंकि माइनस 5 को नीचे ना, और माइनस 5 रेंज के अंदर आ रहा है, तो अपने कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जो सॉल्यूशन है जहां पर माइनस 5 दे रहा है उसको लास्ट में निकाल के फेंक देंगे, तो 3 cos - 4 sin x अगर ये ऐसा होता ना तो कभी दे ही नहीं पाता माइनस 5, क्योंकि इसका रेंज ही कितना माइनस 4 से 5, तो आंसर क्या था, x belongs to r, कोई दिक्कत नहीं होती ना, जहां पर ये माइनस 5 कभी दे नहीं पा रहा, क्योंकि इसका रेंज ही औकात देने कितना माइनस 4 से 5, पर ये दे रहा है, क्योंकि इसका रेंज पता है कैसे निकालते हैं, बताया ना a cos + b sin वाला लफड़ा, उसमें माइनस अंडर रूट a स्क्वायर + b स्क्वायर से लेकर अंडर रूट a स्क्वायर + b स्क्वायर,
ए स्क्वायर कितना है 4, बी स्क्वायर कितना है 16, 25 आएगा, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 5, तो माइनस 5 से 5, उसके अंदर ये माइनस 5 आ रहा है, तो अपने वो एंगल निकाल लेते हैं जहां पर ये माइनस 5 देगा, फिर लास्ट निकाल मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5 और 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं 5 बाई 5 से, तो ये 5 और ये 5 कट गया माइनस 1, यानी कि 3 बाई 5 कॉस एक्स माइनस 4 बाई 5 साइन एक्स, ये जो है वो माइनस 1 होना चाहिए। तो भाई इसको सोचा मैंने साइन में, तो ट्रायंगल बना लेते हैं, लेट से एंगल अल्फा, तो अगर ये 3 है ये 5 है तो ये 4 होगा, तो ये अगर मेरा साइन अल्फा है तो ये भाई साहब क्या होंगे मेरे कॉस अल्फा है ना 4/5 साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो साइन भाई साहब माइनस 1 कहां देते हैं यहां पर माइनस पाई बाई 2 पर, क्योंकि इसका इंटरवल यही देगा ना, इसी 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 जगह देगा माइनस 1, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका 2n पाई माइनस पाई बाई 2, 2n पाई माइनस पाई बाई 2 ऐसे। अच्छा अल्फा देख लो आप, अल्फा क्योंकि अल्फा की वैल्यू कहां से कहां निकलती है, यहीं से निकलती है, तो अल्फा मिल जाएगा माइनस पाई बाई 2, जनरल सॉल्यूशन लिखो जनरल सॉल्यूशन, तो अल्फा माइनस एक्स जो है वो आएगा मेरा एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन अल्फा, व्हाट इज अल्फा हियर माइनस पाई बाई 2, एक तो फॉर्मूला कर लो, ये तो नीट फॉर्मूला करना, तो ये अल्फा माइनस एक्स किसके बराबर होगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2 जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा तो मुझे x चाहिए और मेरा अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा हियर, साइन अल्फा अगर 3/5 है तो आप अल्फा को साइन इनवर्स 3/5 भी कर सकते हो, पर ध्यान रहे अल्फा कहां से कहां चुनना पड़ेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्योंकि इनवर्स अगर बना रहे हो तो 1/1 ऑन टू कराना पड़ेगा, और 1/1 के लिए हम बता रहे इनवर्स में हम कहां से कहां लेते हैं अल्फा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसलिए मैंने अल्फा कहां से कहां लिया इसके अंदर चुना, और वो कितना चुना माइनस पाई बाई 2, ध्यान से आएगी बात। अच्छा अल्फा तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस एक्स इक्वल टू, इसमें मैंने क्या किया, ये तो ऐसा लिख लो x यहां ट्रांसफर कर दिया ना माइनस x यहां फेंक दिया, बाकी नंबर यहां पर, और अल्फा कितना है साइन इनवर्स 3/5 माइनस ऑफ n पाई और माइनस ऑफ माइनस 1 रेज टू n पाई बाय 2 इक्वल टू x, ये एंगल जनरल सॉल्यूशन जो n, ये x की जितनी भी n की फॉर्म में n बिलोंग्स टू i, इसको आप r में से निकाल के फेंक देना, ठीक है, क्योंकि इस पे ही आपको माइनस 5 मिलेगा ऐसा। तो R में से ये पूरी सेट वैल्यू निकाल देना, ये आपका आंसर है डोमेन, काफी गंदी है, अब क्या करें जनरल सॉल्यूशन आ रहा है तो, और डोमेन अरे रेंज, अब ये भाई साहब कितना वैल्यू देंगे, ये वैल्यू देंगे माइनस 5 से 5, माइनस 5 देंगे नहीं ना ये जीरो हो जाएंगे, प्लस 5 तो माइनस 5 से 5 कितना हो गया 0, माइनस 5 प्लस 5 0, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 पर क्लोज, तो 1 अपॉन 0 कितना हो गया इन्फिनिटी, और 1 अपॉन 10 कितना हो गया 1 अपॉन 10 एग्जैक्ट, तो 1 अपॉन 10 से लेकर इन्फिनिटी ये आपका। अच्छा 5 अलग बनाया क्या, फाइव लेंगे अगर तो ये हो जाएगा आपका 0, 0 से 10 माइनस 5 लेना, एंगल निकाल दो, रेंज जो है सही बात है माइनस 5 से लेकर 5 क्लोज आएगा, हाँ तो 1/10 से लेकर इन्फिनिटी आएगा आपका ये आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 1 से लेकर 10 क्लोज, क्योंकि 10 मिलने वाला है 5 देगा ये, तो 1/10 रेंज आ जाएगा 1/10 क्लोज से लेकर इन्फिनिटी ओपन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वहां से मेरा चैप्टर खत्म होने वाला है, फिर लिमिट्स डिफरेंशिएशन है इसके बाद, तो हम उसकी शुरुआत करेंगे, जैसे एडास गुप्ता में जो है ना कैलकुलस पार्ट, जैसा पहले फंक्शन है फिर डिफरेंशिएशन, तो उस पर हम जंप करेंगे, ठीक है। जो भी सवाल कराया मैंने आप खुद से अपने आप प्रैक्टिस करें, तो और ये एडवांस में काफी अच्छा बुक है आपको पता ही होगा मैं क्या बताऊँ, सो मिलते हैं और हैव अ ग्रेट डे, बाय।